नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, रेलवे ग्रुप डी। और 17 सितंबर 2017-18 का जो कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने कलेक्ट किया है, ये काफ़ी मेरे ख्याल से ये पूरा शिफ्ट का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का मिला के है। कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं भी होंगे, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं अपडेट करूंगा एट द एंड ऑफ द डे। हो सकता है मैं कल सारे क्वेश्चन अपडेट कर दूं, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन मिले हैं और वो मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें एक्यूरेसी जो कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं दावा करता हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली सही होंगे, तो वो थोड़ा अपना दिमाग आपको लगाना होगा कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि लिमोनाइट किसका अयस्क है? लिमोनाइट जो है, लिमोनाइट लौह अयस्क का अयस्क है, यानी आयरन ओर का। ठीक है, ओके। लौंग के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये केरल होना चाहिए, एक बार आप ठीक से सर्च कीजिए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, NaCl का pH मान या रासायनिक नाम पूछा गया था। तो NaCl का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका pH मान देख लीजिए आप। एक है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 पूछा गया था, इसका आंसर होगा पुणे। लेकिन मैंने जो है, देखिए एक थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूं कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इस साल इसको इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, इसमें 111 सिटीज़ कंट्री के जो 111 सिटीज़ को इस सर्वे में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो टॉप 10 सिटीज़ है वो मैंने लिख दिया है, पुणे पहले नंबर पे था, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपति, चंडीगढ़, थाने, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, भोपाल, ये सारे टॉप 10 सिटीज़ हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, बेस्ट सिटी का अवार्ड पुणे, वही क्वेश्चन है ये, बेस्ट सिटी जो लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद है भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो कौन सी गैस फैली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट था, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम पूछा गया, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। लक्स किसकी इकाई है? देखिए लक्स जो है ये मैंने है यहाँ पर लिखा है लक्स, लेकिन इसको एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, शायद इसका ल्यूकेन या कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिएगा लक्स का, लक्स किसकी इकाई होती है। भारतीय रेल स्वच्छ सर्वेक्षण सबसे साफ स्टेशन, ये जोधपुर इसका आंसर होगा। CEO ऑफ एप्पल टिम कुक जो है एप्पल के CEO हैं। प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर मतलब देखिए दाब होता है, दाब का पास्कल यूनिट है। मनुष्य के अंदर कितनी पसलियाँ होती है? 24 होती है, 22 जोड़ी होती है। मान बुकर प्राइज़ के बारे में पूछा गया, देखिए मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ एक्चुअली 2018 और 2017 दोनों में लिया, मान बुकर प्राइज़ तो इस साल मिला नहीं है अभी तक। तो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के विनर 2018 के जो थे ओल्गा की, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, टोकर जुकुक। ठीक है, इनका बुक का नाम था फ्लाइट, और दूसरे साथी इनके थे जेनिफर क्रॉफ्ट, ये पोलिश हैं, पोलिश मतलब पोलैंड के, पोलैंड के निवासी को पोलिश बोला जाता है। ये हिब्रू जो है इजराइल की भाषा है, हिब्रू इजराइल में इसी भाषा में बात की जाती है, हिब्रू लैंग्वेज में। तो ये है, इसको एक देख लीजिएगा एक बार ठीक से, मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में ये सब किया है, तो थोड़ा बहुत इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन आप एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। 100वें स्मार्ट सिटी कौन सी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, आंसर शिलोंग होगा इसका, शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, और ये 100वीं स्मार्ट सिटी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम पूछा गया था बिंदुसार। पद्मावती में जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया गया था, और रणवीर सिंह ने किया था। पहाड़ों की रानी मसूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल पूछा गया था।
इंडिया के खेल मंत्री के बारे में पूछा गया था, कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। बिहार का राज्यपाल लालजी टंडन। सबसे हॉट ब्लड किस जानवर किसका है ये देख लीजिएगा एक बार। ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था, ये है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा गया था। देखिए मैंने ये पूरा ले लिया पूरा आपके लिए। 2011-15 में लियोनेल मेसी थे, 12 में, 13 में, 14-15, 14-16-17 और ये 18 में लुका मॉड्रिक। ठीक है, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ऑस्कर हेल्ड इन द कंट्री ऑफ यूएसए, ठीक है, ऑस्कर जो है यूएसए में हेल्ड होता है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था, मिरर से एक क्वेश्चन था, जायगोट से एक क्वेश्चन था, और एक कौन सा दिन कैलेंडर से क्वेश्चन था, 21 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था कि कुछ रुपया है उसको 20% खर्च कर दिया गया, फिर 30% खर्च कर दिया गया, तो लास्ट में कितना बचा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। और जो टोटल था 1,20,000 या 16,000 के, 1,20,000 के आसपास था या 1,60,000, देख लीजिएगा। वो उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक और भुवनेश्वर उसकी राजधानी है उड़ीसा का। हार्ट ऑफ वेयर द हार्ट इज प्लेस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट की कहाँ पे रहता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए तो बाईं ओर होता है, लेकिन ऑप्शन से पता चलेगा क्या ऑप्शन था। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त सभा, संयुक्त सभा देखिए संयुक्त सभा का कौन हेड करता, उपाध्यक्ष, ठीक है। ऑड वन आउट, अभी कौन है उपाध्यक्ष लोकसभा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, देखिए उपसभापति, यहाँ पे क्वेश्चन है जो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त सभा को कौन हेड करता है या लीड करता है, ये शायद पता नहीं, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिएगा। ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट से क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को किसने उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन, ये क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। रेशियो से एक क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, ट्री का लचीलापन किसके कारण होता है, चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था, बिहार में, ठीक है, महात्मा गांधी जी आए थे वहाँ पे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था। मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 ये पूछा गया है, अब एग्जैक्टली पता नहीं क्या क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये पूछा गया था इसको गूगल करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, H2SO के बारे में कुछ क्वेश्चन था, इसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड इसका होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पूछा था, 16 होता है। हु प्लेड द रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत, ये मैंने बता दिया आपको, रणवीर सिंह ने किया था। विशाखापट्टनम किस स्टेट में है, या आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में वहाँ पे तटीय क्षेत्र है। वुमेन फीफा वर्ल्ड से रिलेटेड था, क्या क्वेश्चन था आई डोंट नो, लेकिन फ्रांस में 2019 में होने वाला ही है। हौसला 2017 से क्वेश्चन था, हौसला जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड विल सेलिब्रेट चाइल्ड राइट वीक, यानी देखिए ये किससे रिलेटेड है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, हौसला। रामनाथ कोविंद, अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया, 112 महिलाओं को सम्मानित किया था, अभी शौर्य उनका कुछ था असाधारण महिलाओं को। हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर ने किया था। रानी खेत बीमारी जो मुर्गियों से रिलेटेड है। कौन सी क्षय रोग या टीबी भारत में ज़्यादा होती है, टीबी का प्रकार पूछा गया था, भारत में MDR टीबी ज़्यादा होता है लोगों को। चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र या रासायनिक नाम पूछा गया था, NaNO3 होगा, सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। जोकर ऑफ एनिमल किंगडम ये देख लीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2017 से क्वेश्चन था, मानुषी छिल्लर जो थी हरियाणा की, उन्होंने जीता था, जो सानिया में हुआ था चाइना में। वर्ल्ड बर्थडे 13 अक्टूबर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे 2018 मनाया जाता है, ठीक है। पीएच मान पूछा गया था वाइन का, चेक इट। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड राइटर ये पूछा गया था, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसको देख सकते हैं आप। एक क्वेश्चन ये था, ये श्योर नहीं इसलिए मैं बना नहीं रहा उसको।
फिर उसके बाद था एक ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, वेलोसिटी वगैरह। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पूछा गया था, भारत 100वें नंबर पे आ चुका है, 130 नंबर से डायरेक्टली 100 नंबर पे आया है। फिर एक प्लेइंग इट माई वे पूछा गया कि कौन है इसके राइटर, सचिन है। फ्लिपकार्ट को कौन सी कंपनी खरीदा है, वॉलमार्ट ने 77% उसका शेयर खरीद लिया, 77%। ये यूनिट डिजिट पूछा गया था। निर्मला सीतारमण के बारे में पूछा गया था कि कहाँ की एमपी है, कहाँ से चुनी गई है, कर्नाटका से चुनी गई है, राज्यसभा में, राज्यसभा एमपी है। फादर ऑफ अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेड द्वारा। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑड वन आउट था चूज करने के लिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। फंगस से कुछ था, वायरस से था, कोडिंग डिकोडिंग से था, ट्रेन डिस्टेंस से रिलेटेड था और इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, श्योर नहीं है। एंगल से था क्वेश्चन कि 6:45 पे कितना कौन सा एंगल बनेगा, ये पढ़ लीजिएगा। मिरर से दो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। हेमोग्लोबिन का कलर पूछा गया था, रेड होता है। सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल मतलब उत्तक, उत्तक कोशिका, उत्तक रॉबर्ट हुक ने किया था। ये क्वेश्चन एक था ब्लू वेल से रिलेटेड, वाटर हॉर्स, इसको देख लीजिए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन थे इस तरह के, 4-6 घंटिया अंतराल पर बजती है, वह चारों इकट्ठे 12 बजे, मतलब घड़ी से क्वेश्चन था। खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ऑप्शन पता नहीं क्या था लेकिन साइट्रिक एसिड पाया जाता है। वर्गीकरण से पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा भिन्न है ऑड चुनने के लिए आया था। इसके अलावा कुछ इस तरह था, यूनिट पूछा गया, यूनिट चार्ज का यूनिट यानी आवेश का यूनिट पूछा गया, आवेश का यूनिट कूलम्ब होता है। मैत्री 2018 किन किन देशों के बीच में हुआ था, युद्धाभ्यास के बारे में पूछा गया, तो मैत्री 2018 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट किस नंबर के हैं, अभी पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं आरिफ अलवी, जो 13वें राष्ट्रपति है पाकिस्तान के। फिर एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में हुआ था, उस मूवी उस प्रोग्राम में सोनम कपूर को अवार्ड मिला था निर्जा के लिए, तो उसका थीम पूछा गया, क्या थीम था, उसका थीम था वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। एक है वन ऑफ द रेड इंक अवार्ड, रेड इंक, यहाँ देखिए स्पेस होगा, ये मैंने लिखा रेड इंक अवार्ड, क्या क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन रेड इंक अवार्ड जो है वो एक्सेलेंस फॉर इंडियन जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। कांसा के मिश्र धातु के बारे में पूछा गया था, तो तांबा और टीन होगा इसका आंसर। कार्य के बारे में पूछा गया, सदिश है अदिश है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कैलेंडर पूछा गया था 22 मई 2006 को। फिर नेक्स्ट एशियन एग्जाम कब कहाँ होने वाला है, चाइना में होने वाला, क्वेश्चन क्या था आई डोंट नो लेकिन मैं लिखा हूँ चाइना में होने वाला। अर्थ का द्रव्यमान पूछा गया था, मास इतना होता है। करेंसी ऑफ वेनेजुएला, यहाँ वेनेजुएला होगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वेनेजुएला। वेनेजुएला का राष्ट्र पूछा गया करेंसी, तो बोलीवर होता है वहाँ की करेंसी। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप सैफ के बारे में क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, लेकिन अभी हाल में ही मालदीव्स ने यह जीता है और यह सैफ का खेल का आयोजन जो बांग्लादेश में हो रहा है अभी। राज्यसभा के उपसभापति से कुछ था क्वेश्चन, डेथ कीप्स नो कैलेंडर पता नहीं, ये कंक्लूजन से था सिलोलिज्म। संप्रति जो युद्धाभ्यास था इससे क्वेश्चन था, संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। इसके बाद एक पेंसिल पोर्टल के बारे में पूछा था, तो पेंसिल पोर्टल के बारे में बता दूं आपको दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये एचआरडी मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। नेस्कॉम से कुछ था क्वेश्चन, इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे मिला नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता उप विपक्ष है लोकसभा के, उप
विपक्ष नेता है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 961 का पूछा गया था, 31 होगा, ये एक मैथ का क्वेश्चन था। आयोडीन का कलर पूछा गया था, सफ़ेद होता है। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, यूएसए में आयोजन होता है, कुछ इस तरह क्वेश्चन था। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। एचडीआई कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। कॉमनवेल्थ है, यह देखिए गलत है यहाँ पे, इसको मत मानिएगा। कॉमनवेल्थ में इंडिया का जो स्थान था, तीसरा स्थान था। उसके बाद कतर की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कतर रियाल है, कतर की करेंसी। एक कजाकिस्तान या किर्गिस्तान का मिलिट्री एक्सरसाइज था, वो चेक कर लीजिएगा। यूएस ओपन कराटे चैम्पियनशिप 2018 में इंडिया का कितने पदक जीते थे, ये देख लीजिएगा। रेड इंक अवार्ड मैंने बता चुका हूँ आपको, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन था कि कौन से जानवर का गर्म खून होता है, ये देख लीजिएगा ऑप्शन में, पता नहीं वेल, पिजन, क्रोकोडाइल और क्या था ऑप्शन। बाकी दोस्तों ये कुछ, एक ये है ट्रेनिंग ट्राई सिस्टम का एक फुल फॉर्म था, ट्राई सिस्टम का होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके अलावा ये एक न्यूमेरिकल था जो कि पता नहीं सियोर नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। फिर एक साउंड ट्रेवल से रिलेटेड कुछ था। टेस्ट क्रिकेट में टी ब्रेक के पहले शतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी है, वो KL राहुल है। ठीक है, बस ये दोस्तों इतना ही रहा दोस्तों, जितना मुझे मिल पाया है और जितने सोर्सेस हैं वो क्वेश्चन मिल गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके दीजिए, कोशिश करूँगा मैं उसको आंसर सहित मैं उसको बना दूँ आपके लिए वीडियो। तो ये पूरा आज का जो मेरे पास क्वेश्चन आया था मैंने दिया दोस्तों, इसमें कुछ अगर गलतियाँ रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़े रहें, आपको लगातार ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ही अभी क्वेश्चन अगर मेरे पास अपडेट होगा, फाइनली मैं उसको सही ढंग से एकदम परफेक्टली उसको लिख करके, ज़्यादा उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये मैं फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि लोगों को दूसरे एग्ज़ाम्स में शिफ्ट में बैठने से पहले कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।